तो ये कहानी शुरू होती है फरवरी 2020 के महीने में, जब हम कोलकाता में बैठ कर बोर हो रहे थे और हमने अचानक प्लान किया एक लंबे रोड ट्रिप की, जो ये मेरे लाइफ की सबसे लंबी रोड ट्रिप रही। और ये प्लान था हमारा कोलकाता से मनाली जाने का, लेकिन बीच में डाइवर्ट हो गया और हम चले गए कश्मीर। और बीच में आमरिक सुखदेव का ये प्यारा सा पराठा और रोड ट्रिप गजब का। उसके बाद हम कश्मीर पहुँचे और कश्मीर में भी हमने 2-3 जगह विज़िट किया, जिसमें से ये खूबसूरत वाटरफॉल भी है। तो ये बात तब की है जब हम कोलकाता में बैठे हुए थे आराम से, और अचानक हमारा प्लान बना और हम निकल चुके इस लंबे रोड ट्रिप पे। तो स्टार्ट करते हैं ये रोड ट्रिप अपना। और क्योंकि उस टाइम मेरा नया नया दोस्त बना था स्वयं, तो हम उसके साथ ही निकल चुके हैं और उसी का ये प्लान था मनाली निकलने का। और सोनीपत होते हुए ये पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया ये इस टाइप का लग्जरी ढाबा सब। और हम गए सबसे पहले आमरिक सुखदेव में, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार था, और इस तरह का ढाबा मैंने पहली बार अपने लाइफ में देखा था। तो जहाँ मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा जाने का, कि आप ज़रूर इस ढाबे में एक बार विज़िट ज़रूर करें। आमरिक सुखदेव नाम है और ये सोनीपत हरियाणा में है, आमरिक सुखदेव में। और यहाँ पे थोड़ा शॉपिंग के लिए कुछ दुकान है, और ये रहा अंदर आमरिक सुखदेव रेस्टोरेंट, जिसमें हमें जाना है और बहुत एक्साइटेड हैं। जो भी ट्राई करते हैं आपको दिखाते हैं, और यहाँ पे का ये वाइब्स आप फील कर सकते हैं। और ये इसके ऊपर होटल रूम भी है आमरिक सुखदेव का। तो हमारा पराठा, और ये है पूरा मक्खन, और ये है हमारा पराठा। मैंने ऑनियन पराठा लिया है, इन्होंने गोभी पराठा लिया, और उन्हें आलू, और इन्हें मिक्स। और ये है हमारा पनीर पालक, और एक सब्जी और आ रहा है हमारा, उसका हम ट्राई करके बताते हैं। और ये है हमारा। हम लोग खाना खाने के बाद निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ, जो था हमारा कश्मीर। और जम्मू के रास्ते होते हुए हम पहुंच गए हैं कश्मीर, और सुबह का नज़ारा कुछ यूँ था हमारे सामने, जिसे देख के हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए और आँख को बहुत ज़्यादा सुकून मिला। वैसे कश्मीर आने से पहले रात में हमें कुछ प्रॉब्लम हुआ था, हमें रोक दिया गया था। लगभग 500 गाड़ी वहाँ पर रुका हुआ था, हमें कहा गया कि सुबह निकलने के लिए, लेकिन कुछ जुगाड़ लगा के हम लोग बस निकल चुके हैं अपने मंजिल की तरफ। और फिर जब हम लोग कश्मीर पहुँचे हैं, तो हम लोग आर्मी को देख के अक्का बक्का हो गए। इतना आर्मी हमने कभी देखा नहीं था लाइफ में, और उस तरह का गाड़ी सब भी हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। और इससे थोड़ा सा डर भी था हम लोग के अंदर, कैमरा बार बार नहीं निकाल पा रहे थे हर जगह, कि रोक देगा, कोई पूछ लेगा, और कोरोना के वजह से भी। तो खैर जैसे तैसे और बस आ गए हम अपने मंजिल पे। और यहाँ पहुँचते के साथ हम लकी थे कि स्नोफॉल स्टार्ट हो गया फरवरी में, और हम काफ़ी इंजॉय किए हम लोग। तू हंगामा जमीनी या करामत आसमान नहीं, कि बरकशुर मेहरबान शवत तू हर जमाने। सलामे वाजवाने वाजवाने वाजवाने, सलामे वाजवाने वाजवाने वाजवाने, सलामे वाजवाने वाजवाने। और कश्मीर आने के बाद हमने यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं लिया, जैसे वहाँ स्केटिंग और क्या 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 बहुत चीज़ के लिए लोग फोर्स करते हैं वहाँ के लोकल गाइड, लेकिन हमने किसी तरह का कोई भी एक्टिविटी सिलेक्ट नहीं किया। हम खुद से घूमे, और घूमना हमारा कुछ इस तरह से था कि हम जो मेन कश्मीर गुलमर्ग का व्यू पॉइंट है, हमने उसी जगह पर होटल ले लिया था। होटल का नाम था लाला रिजॉर्ट, और ये लाला रिजॉर्ट बहुत ही गजब का होटल है। अब मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप गुलमर्ग में अगर स्टे कर रहे हैं तो लाला रिजॉर्ट में ही करें, वहाँ पे ही सारा व्यू पॉइंट है, तो आपको वहाँ से कहीं भी दूसरे जगह जाने का ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं, वहीं पे सारा चीज़ है। आप वॉक करके हर एक्टिविटी को देख सकते हैं, और जो भी एक्टिविटी आपको करना हुआ
तो आप उसको सिलेक्ट करके और वहाँ पे कुछ बार्गेनिंग करके आप उस एक्टिविटी को कर सकते हैं। तो गुलमर्ग में दो दिन रुकने के बाद हम निकल चुके थे श्रीनगर के लिए, जहाँ से हम वाटरफॉल देखने जाते हैं। और गुलमर्ग में ही हम अपने होटल से ही एक इंजीनियर साहब को उठा लिए, जिनको हिंदी भी बोलने नहीं आता था, और उनको लेके हम चल दिए। तो होटल से निकलने के बाद भी हमारे साथ बहुत कुछ ज़्यादा ड्रामा हुआ, तो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें और शेयर करें। बैठो सर, यार जरा मुझ पे भरोसा करो। नहीं, हम उसमें नहीं बैठेंगे। एक बार बैठो। अरे नहीं बैठेंगे हम उसमें। यार ये। सर, क्या हुआ उनको? थोड़ी सी प्रॉब्लम। इसको बोला था मैंने, मेरे बोला इधर कस्टमर ये नहीं मानेगा। मेरे बोला हम पैदल आ रहे हैं, तो ठीक है, हम पैदल आ रहे हैं। ठीक है, तुम धीरे धीरे चलो। स्वयं भाई आइए।